अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनोड़ा के समंदर के अंदर और यहाँ पर जेटी के ऊपर आया हूँ मैं, मनोड़ा की जेटी पर। और यहाँ पर हम जाएंगे, थोड़ा सा समंदर में घूमेंगे फिरेंगे। थोड़ा सा मनोड़ा के बारे में आपको मैं बता दूँ कि मनोड़ा एक छोटा सा जजीरा नुमा है जो कराची की बंदरगाह के जनूब में वाक़ है। मनोड़ा कराची से सैंड स्पिट की पट्टी के जरिए जुड़ा हुआ है। मनोड़ा और इसके करीबी जजायर कराची की बंदरगाह के लिए एक कुदरती हिफाजती आड़ का काम करते हैं। यहाँ पाक बहरिया का भी मरकज़ मौजूद है। अमूमन यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के हमरा पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। जदीद दौर में समंदरों में बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए कई एक तरीके राइज हैं, जिनमें से मुतहदा तरीके सदियों से राइज हैं। इन्हें इन तरीकों में से एक तरीका रोशनी के ज़रिए बहरी जहाज़ों की रहनुमाई भी है। अहम समुद्री रास्तों और बंदरगाहों पर लाइट हाउसेस की तामीर का सिलसिला कदीम है, जहां से निकलने वाली रोशनी की शुआओं से बहरी जहाज़ को अपने रास्ते पर चलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। वो उन लाइटों के ज़रिए जो है ना अपना रास्ता देखते हैं। लाइट हाउस की तामीर का मकसद बहरी जहाज़ों को रास्ते की रुकावटों से आगाह करना भी होता है। कराची में वाकया पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह में हर वक्त बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। इसी वजह से यहाँ रहनुमाई के लिए मनोड़ा में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस भी बनाया गया है। 1889 में मनोड़ा में बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए लाइट हाउस तामीर किया गया था। जब 1909 में इस लाइट हाउस को नई रोशनियों से आरास्ता किया गया तो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर लाइट हाउस होने का एजाज़ हासिल रहा। यूं तो कराची को बंदरगाह के तौर पर 18वीं सदी में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन यहाँ तक आने जाने वालों को बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज की कराची की बंदरगाह की इब्तदाई तामीर का सहरा एक अंग्रेज़ इंजीनियर जेम्स वॉकर के सर है। इस वक्त तक कराची बर्रे सगीर की तीन सबसे ज़्यादा मरूफ बंदरगाहों में से एक थी। इसकी अहमियत के पेश नज़र पहली जंग अजीम के दौरान इसके इर्द गिर्द कुछ मार्कों से लाइट हाउस को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसके बाद में मरम्मत की गई। इसे पत्थरों से तामीर किया गया है और ये लाइट हाउस ताकतवर लेज़र से लेस हैं, जिनके ज़रिए निकलने वाली शुआएँ 14 लाख मोमबत्तियों की रोशनी के बराबर होती हैं। इसके काम करने का तरीका बहुत आसान है और इसकी देखभाल भी दुश्वार नहते ये नहीं है। ये लाइट हाउस बहुत जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है और यहाँ जदीद आलात नसब किए गए हैं। यहाँ 1871 में बहुत से खूबसूरत घर भी तामीर किए गए थे, जिनमें बेशतर इस वक्त बहुत नागुफ्ता हालत में हैं। खिड़कियाँ और दरवाजे टूट चुके हैं, वो मैंने अंदर से सारा देखा है। जब हम यहाँ से अंदर से आ रहे थे तो सारा मैंने जो है ना घरों को देखा था, लेकिन वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वो ज़रा रिजेक्टेड एरिया थे, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैं अब जेटी के अंदर आया हूँ और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी हम समंदर के अंदर सैर भी करेंगे और हम थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे। और इनमें से बेशतर इमारतों के सिर्फ ढांचे भी ही मौजूद रह गए हैं। मनोड़ा में 1871 में बहुत से खूबसूरत घर तामीर किए गए थे, जिनमें बेशतर इस वक्त बुरी हालत में हैं। खिड़कियाँ और दरवाजे टूट चुके हैं और इनमें से बेशतर इमारतों के सिर्फ ढांचे ही बाकी हैं। अब एक कंपनी DC हाउस और पायलट हाउस इनकी बहाली का काम कर रही है। तारीखी इमारतों की बहाली का काम करने वाली कंपनी इब्तदाई तौर पर यहाँ 21 तारीखी मकानों की हालत बेहतर बनाने के मकसद मंसूबे पर अमल पैरा है। इमारतों की बहाली के बाद इन्हें यहाँ आने जाने वाले सयाहों के लिए टूरिस्ट हाउसेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मकसद में कंपनी को कराची पोर्ट ट्रस्ट का तावन भी हासिल है। मनोड़ा को एक दिलकश तफरीही मकाम में तब्दील करने का काम एक मगरबी खातून जेसी बर्न की निगरानी में किया जा रहा है, जो खुद भी एक नेवल ऑफिसर की बेटी हैं। मनोड़ा से ब्रंस के कुछ दिलकश यादें वाबस्ता हैं। अच्छा, हम वो जो वीडियो में जो अभी मनोड़ा के ऊपर जो काम हो रहा है ना, मैं वो भी वीडियो जो है ना उसमें अपलोड करूँगा, लेकिन वो इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। वो मनोड़ा के ऊपर जो बिल्कुल तरक्याती काम हो रहे हैं ना, उस काम के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। वहाँ छोटे छोटे से हट बन रहे हैं और टाइलें लग रही हैं, यानी कि जो ब्रिक्स होते हैं खूबसूरत सी डिज़ाइन वाली जो है ना ब्रिक्स लग रही हैं, जो कि एक खातून, मैंने जैसे अभी बताया ना कि जैसी ब्रंस की निगरानी में किया जा रहा है सारा काम, तो उसकी निगरानी में ही सारा काम हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना इतना खूबसूरत काम हो रहा है कि वो मैं इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि वो बहुत ही खूबसूरत काम हो रहा है।
ये कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाके को मुख्तलिफ नामों से पुकारने जैसे कोरोकोला, इसी इलाके मोरो टुबारा, कराची बंदरगाह के करीब मनोड़ा का तारीखी मकाम से सकंदर आजम वादी सिंध में अपनी मुहिम की के बाद अपनी सयाह की वापसी बाबल और रवांगी की तैयारी के लिए खेमा जन हुआ। कराची की बंदरगाह के जजीरे मनोड़ा, जहां से सकंदर की फौज का सीसर सलार नियर जैस न्याज फौज वापस अपने वतन रवाना हुआ और ब्रिकोन बारी बार ब्रिकोन, ये दो हैं जो हिंदुस्तानी यूनानियों की ममलकत की बंदरगाह थी। अलावा अरब इस इलाके को बंदरगाह देबल के नाम से जानते थे, जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 हिजरी में अपनी फतूहात का आगाज किया था। बरतानवी तारीख दान एलियट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा दीबल में शामिल थे। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ तरीन बंदरगाह शुमार होती है। यहाँ सालाना 2.5 करोड़ टन के सामान की तजारत व तरसील होती है, जो पाकिस्तान की कुल तजारत का तकरीबन 60% है। बंदरगाह कदीम कराची शहर के मरकज के करीब किमाड़ी और सदर के इलाकों के दरमियान वाक़ है। अपनी तारीखी और जुग्राफियाई महल वकूअ के बाइस ये बंदरगाह अहम आबी गुजरगाहों मसलन आबनाए हम्स के करीब वाक़ है। बंदरगाह का इंतज़ाम व इंसराम एक वफाकी इदारे कराची पोर्ट ट्रस्ट के सुपुर्द है। ये इदारा 19वीं सदी ईस्वी में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम किया गया था, और जहाँ पर अब हम जा रहे हैं वहाँ पर एक अमेरिकन जहाज़ भी खड़ा है जिसे ऑयल टैंकर कहते हैं। इतना बड़ा ऑयल टैंकर है, वो इतना बड़ा ऑयल टैंकर है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जहाज़ जो है ना, अभी आप थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा जहाज़ है। और ये जो समंदर ये आप देख रहे हैं ना, ये सारा समंदर जो है ना, तकरीबन ये जो मनोड़ा के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 200, 300 या 400 फुट जो है ना नीचे गहरा है, यानी कि काफ़ी, यानी कि ये गहरा समंदर है ये यहाँ पर ख़ास तौर पर। बाकी आगे जाके थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गहरा है क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ आते हैं। इस वजह से जो है ना, इस एरिया को जो है ना पोर्ट बनाया गया था, बंदरगाह बनाया गया था, ताकि यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ आके रुके, उनको कोई तकलीफ ना हो। जैसे आपने देखा कि हैंगटोंग 77 वो कम पानी के अंदर जो है ना वो फंस गया था, उस वजह से जो है ना वो अब फंसा का फंसा ही हो, उसको अब निकलने का चांस कोई कम नहीं है उसका चांस, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं वो लोग ना। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट आपके लिए, इस मनोड़ा समंदर के अंदर जो हम घूम रहे हैं ये सारी डिटेल आपको बताई। और अभी मैं आपको एक जहाज़ की तरफ भी लेके चलता हूँ, सामने आपको जहाज़ आता हुआ नज़र आ रहा होगा शायद, तो उस जहाज़ के ऊपर अमेरिकन झंडा लगा हुआ था, ठीक है, अमेरिकन झंडा लगा हुआ था, और यानी कि वो अमेरिकन जहाज़ था और उसे ऑयल टैंकर कहते हैं। और इतना बड़ा जहाज़ था दोस्तों, इतना बड़ा जहाज़ था कि अभी आप देखेंगे ना करीब से तो आपको लग पता जाएगा कि कितना बड़ा जहाज़ था, उसके ऊपर काफ़ी मशीनरी भी लगी हुई थी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, और आप वीडियो देखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
सकते हैं इस चीज के बहुत ही खतरनाक सीन के अंदर चल रहे हैं हम लोग, और ये सारी टीम देख रहे हैं ये किश्ती देखे कैसे डोल रही है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। ये एक मनोड़ा और बीच का साइड से हम लोग जो है ना अंदर समंदर की साइड पे किया है, तकरीबन 400-500 फुट नीचे है ये, यानी कि इतना गहरा ही है ये। अभी यहाँ जो बैठा हुआ था एक सेलर, तो उसने हमें बताया था कि 400 या 500 फुट गहरा है ये समंदर ना। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये सीन, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।